गुड इवनिंग डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर। एग्रीकल्चर एग्जाम स्टडी विद विनोद सर चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। इसी क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोपोगेशन पर हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और हमेशा से पूछे गए हैं, पूछे जाते रहे हैं, इससे संबंधित लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए थे। हर परीक्षाओं अगर आप किसी भी एग्रीकल्चर से संबंधित परीक्षा को उठा के देखेंगे तो जरूर इसमें अन्य परीक्षाओं में भी जरूर इससे प्रोपोगेशन से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आज हम सभी प्रोपोगेशन सेक्सुअल और एसेक्सुअल और जितने भी उसके टाइप्स हैं सभी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है, जितने भी हमारे दर्शक हैं, ऐसे साथी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, ऐसा हमारा प्रयास रहता है ये हमारा कि कोई भी बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन कम से कम समय में कवर बेस्ट कंटेंट के द्वारा कवर कराया जाए और कोई ऐसा क्वेश्चन छूटे ना जो टॉपिक कवर किया है। तो प्रयास रहता है सभी क्वेश्चन कवर हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक प्रोपोगेशन। मीन्स दो प्रकार के प्रोपोगेशन होते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। तो हम इसमें सबसे पहले प्रोपोगेशन को जानेंगे, प्रसरण क्या होता है, प्रोपोगेशन क्या होता है। तो ये द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू प्लांट्स फ्रॉम ए पैटर्नल प्लांट्स, मीन्स पैटर्नल प्लांट्स से जो उसके पैतृक प्लांट्स हैं उनसे नए पौधे को बनाने का, जो नए पौधे बनाते हैं उसे प्रोपोगेशन कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है, सेक्सुअल प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। हम पहले सेक्सुअल की बात करें, सेक्सुअल प्रोपोगेशन क्या होता है। तो द प्रोपोगेशन थ्रू द सीड, जो प्रोपोगेशन सीड के द्वारा होता है, सीड के द्वारा हम सीड बोकर नए पौधे तैयार करते हैं, तो वो सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। सीड्स की अगर हम बात करें, सीड इज ए एम्ब्रियो प्लांट रिजल्टिंग, सीड्स में जो एम्ब्रियो होता है प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। सीड इज ए एम्ब्रियो प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल पार्ट्स फ्लावर, मीन्स मेल और फीमेल पार्ट्स के जो फ्लावर्स हैं उनसे, उनमें जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है उसके द्वारा जो डेवलप होता है एम्ब्रियो, वो सीड का निर्माण करता है जिससे कि नए पौधे का निर्माण होता है। तो हम बात करें सेक्सुअल प्रोपोगेशन, तो द प्रोपोगेशन थ्रू द सीड इज कॉल्ड सेक्सुअल प्रोपोगेशन। सीड इज ए एम्ब्रियो प्लांट रिजल्टिंग, इसमें एम्ब्रियो प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ मीन्स मेल, यूनियन मीन्स मेल एंड फीमेल फ्लावर्स के जो फर्टिलाइजेशन से जो तैयार होता है एम्ब्रियो, डेवलप होता है, भ्रूण डेवलप होता है, दैट सील्ड सीड कहते हैं इसे। एम्ब्रियो की अगर हम बात करें, एम्ब्रियो इट इज डेवलप्स इंटू न्यू प्लांट्स, एम्ब्रियो जो होता है नए प्लांट्स को डेवलप करता है और फिर इसमें सीड्स में होता है फूड स्टोरेज टिश्यू होते हैं बीज में, मुख्यतः दो पार्ट इसके होते हैं, एम्ब्रियो एंड फूड स्टोरेज टिश्यू। तो मे बी एंडोस्पर्म और कॉटिलीडंस, एंडोस्पर्म कॉटिलीडंस और पेरिस्पर्म एंड सप्लाई द नेसेसरी फूड मटेरियल्स यंग सीडलिंग्स ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज में ये जो फूड स्टोरेज टिश्यूज होते हैं ये फूड को सप्लाई करते हैं जिससे प्लांट ग्रो करता है। स्टार्टिंग में उसमें रूट्स नहीं होती हैं इससे वो एब्जॉर्ब कर पाए, तो इसी के द्वारा फूड स्टोर सप्लाई किया जाता है जिससे कि प्लांट डेवलप होता है। इसके बाद हम बात करें अब एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। एसेक्सुअल प्रोपोगेशन मीन्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम एनी फ्रेगमेंट्स ऑफ प्लांट्स विच डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस इज एसेक्सुअल प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मीन्स क्या है, इससे वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा, किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा हम नए प्लांट्स को बनाते हैं, नया प्लांट डेवलप करते हैं, वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं उसे। मीन्स रिप्रोडक्शन फ्रॉम एनी फ्रेगमेंट्स ऑफ द प्लांट्स विच डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस, इसमें मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता है, इज एसेक्सुअल प्रोपोगेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसके मेथड हैं अगर हम बात करें, ये तीन प्रकार के होते हैं एसेक्सुअल प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन बाई एपो
माइटिक सीडलिंग्स प्रोपोगेशन बाई एपोमाइटिक सीडलिंग्स प्रोपोगेशन बाई स्पेशलाइज वेजिटेटिव पार्ट, मीन्स जो प्रोपोगेशन होता है वो स्पेशलाइज किसी वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा होता है, जैसे बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर और राइजोम्स, इनके द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है वो प्रोपोगेशन बाई स्पेशलाइज वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा इसे बोलते हैं। और नंबर सी, बाई इट्स ऑन रूट सिस्टम लाइक कटिंग और लेयरिंग, मीन्स ऑन रूट सिस्टम, रूट सिस्टम के द्वारा कटिंग और एयर लेयरिंग के द्वारा जो प्लांट डेवलप किए जाते हैं। तो ये जो तीन प्रकार है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन के हैं, अब हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रोपोगेशन बाई एपोमिक्सिस सीडलिंग्स की बात करें, तो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का बनना इन एग सेल्स, एग सेल्स में वाई फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन द पोलन, बिना फर्टिलाइजेशन के पोलन के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एपोमिक्सिस, जो ये देखने को मिलता है हमें सिट्रस और मैंगो में, ये देखने को मिलता है एपोमाइटिक या एपोमिक्सिस, ये हमें देखने को मिलता है सिट्रस और मैंगो में। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एग सेल्स बाई द फीमेल गैमीट्स विदाउट, मतलब फीमेल गैमीट के द्वारा एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन वाई द पोलन, बिना पोलन के फर्टिलाइजेशन के द्वारा एम्ब्रियो डेवलप किया जाता है, इसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं। ये सिट्रस और मैंगो में देखने को मिलता है ये। अब हम सेकेंड टाइप की बात करें इसका, प्रोपोगेशन बाई स्पेशलाइज वेजिटेटिव पार्ट, जैसे बल्ब, ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। बल्ब के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है ऑनियन और गार्लिक में, ऑनियन मीन्स प्याज, गार्लिक लहसुन, प्याज और लहसुन में जो होता है ऑनियन और गार्लिक में, ये बल्ब के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। कॉर्म्स के द्वारा अगर हम बात करें तो क्रोकस में होता है और ग्लैडियोलस जो फ्लावर होता है उसमें होता है, एमोरफेलस में होता है, इनमें कॉर्म्स के द्वारा होते हैं। अब हम बात करें ट्यूबर और ट्यूबरस रूट, ट्यूबर्स और ट्यूबरस रूट के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है वो होता है पोटैटो में और डहलिया में, डहलिया और पोटैटो में जो प्रोपोगेशन होता है वो ट्यूबर या ट्यूबरस के द्वारा होता है। राइजोम के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है, राइजोम्स के द्वारा, ये होता है जिंजर में, टर्मेरिक हल्दी में, हल्दी अदरक और बनाना और फर्न, इनमें मींस हल्दी अदरक केला फर्न, इनमें जो होता है राइजोम्स के द्वारा होता है, राइजोम्स के द्वारा होता है। अब हम बात करें सकर्स, तो सकर्स के लिए बनाना एंड पाइनएप्पल्स, बनाना और पाइनएप्पल्स में सकर्स के द्वारा होता है, जो कि हमने जब बनाना क्रॉप्स पढ़ाई थी तो उस पर इस पर डिटेल पे चर्चा की थी, सकर्स सीडो सकर्स की कितना वेट रखते हैं ये सब उस पर डिटेल में चर्चा की थी। इसके बाद हम बात करें रनर्स के द्वारा, रनर्स के द्वारा जो होता है वो एस्ट्राबेरी में होता है प्रोपोगेशन रनर्स के द्वारा, ऑफसेट, ऑफसेट के द्वारा डेट पाम या खजूर में जो होता है वो ऑफसेट्स के द्वारा प्रोपोगेशन होता है। तो इसमें आप देखेंगे राइजोम्स, राइजोम्स टर्मेरिक और बनाना और फर्न्स, जिंजर, ट्यूबर पोटैटो और डहलिया, सकर्स बनाना एंड एप्पल, सकर्स के बनाना इम्पोर्टेंट है, आता रहता है परीक्षाओं में, ऑफसेट्स के द्वारा डेट पाम होता है। करें इसका सी टाइप, बाई इट्स रूट सिस्टम लाइक कटिंग और लेयरिंग, इसके द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है इसमें नंबर एक कटिंग, कटिंग क्या है, कटिंग इज ए डिटैच पोर्शन ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जो डिटैच पोर्शन है प्लांट से लगा हुआ ऐसा कोई पार्ट है जिसे हम हटाकर दूसरा प्लांट तैयार करते हैं और कटिंग कहलाती है। कटिंग इज ए डिटैच पोर्शन ऑफ प्लांट्स विच प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स, जो जिससे हम नए पौधे को बनाते हैं, कोई भी वेजिटेटिव पार्ट ले लेते हैं प्लांट्स का जिससे हम न्यू पौधे को डेवलप करते हैं। इसमें आता है रूट कटिंग, रूट कटिंग इट इज ए सिंपल एंड चीपेस्ट सिस्टम ऑफ रूट कटिंग, सिंपल एंड चीप विच रूट 1 सेंटीमीटर थिक एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 1 सेंटीमीटर मोटी और 10 से 15 सेंटीमीटर लंबी कट करते हैं रूट के लिए,
और इसे हम रूट कटिंग के द्वारा डेवलप करते हैं। ये जो प्रैक्टिस करते हैं ये ब्लैकबेरी और रसबेरी में करते हैं। इसके बाद हम बात करें स्टेम कटिंग। कटिंग के दो प्रकार थे, रूट कटिंग और नंबर दो स्टेम कटिंग। अब हम स्टेम कटिंग पर बात करें तो स्टेम कटिंग के कई प्रकार हैं, जैसे हर्बेसियस कटिंग। हर्बेसियस कटिंग में आता है क्राइसेंथिमम, डहलिया, स्वीट पोटैटो, मीन शकरकंद, डहलिया और क्राइसेंथिमम जो हैं ये हर्बेसियस कटिंग में आते हैं। इसके बाद सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड में पॉइसेटिया आती है। पॉइसेटिया सॉफ्ट वुड कटिंग में आता है, ये प्लांट्स फ्लावर प्लांट्स है पॉइसेटिया। इसके बाद सेमी हार्डवुड कटिंग में आता है। सेमी हार्डवुड में आता है मैंगो, गुआवा, लेमन और जैक फ्रूट। मीन्स एक एक प्लांट में कई कई प्रैक्टिस होती हैं, प्रोपोगेशन के कई कई मेथड अपनाए जाते हैं, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। सेमी हार्डवुड कटिंग में मैंगो में जैसे ये भी होती है और बाइनियर ग्राफ्टिंग भी होगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेमी हार्डवुड कटिंग में मैंगो, गुआवा, लेमन एंड जैक फ्रूट्स, और हार्डवुड कटिंग की बात करें तो इसमें फिग मीन्स अंजीर, मलबेरी, शहतूत, अंगूर, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, कीवी और प्लम। फिग, मलबेरी, ग्रेप्स, पोमग्रेनेट, कीवी और प्लम, इसमें हार्डवुड कटिंग करते हैं। इन प्लांट्स में हार्डवुड कटिंग करते हैं। इसके बाद लीफ कटिंग के द्वारा भी डेवलप किए जाते हैं, तो ब्रायोफाइलस, ब्रायोफाइलम और वेगोनिया। बेगोनिया और ब्रायोफेलस में लीफ कटिंग के द्वारा प्रोपोगेशन करते हैं। इसके बाद हम बात करें लेयरिंग। लेयरिंग के भी कई टाइप हैं, कई प्रकार की लेयरिंग होती है। जैसे सिंपल लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग ये गुआवा, जैस्मिन, लेमन, ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो होते हैं उनमें सिंपल लेयरिंग होती है। टिप लेयरिंग की बात करें तो ये ब्लैकबेरीज और रसबेरीज में टिप लेयरिंग होती है। सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग की बात करें, सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग में ग्रेप्स और हार्ट लीफ, इसमें जो है सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग होती है। माउंड या स्टूल लेयरिंग की बात करें तो इसमें जो माउंड या स्टूल लेयरिंग प्रैक्टिस जो होती है लेयरिंग की, ये टाइप है। इसमें ये एप्पल में करते हैं, पियर में करते हैं, पीच में करते हैं, मीन्स आड़ू, नाशपाती, प्लम और गोजबेरी। ये जो माउंड और स्टूल लेयरिंग करते हैं ये एप्पल में, पियर में, पीच में, प्लम में, गोजबेरी में, इनमें माउंड या स्टूल लेयरिंग करते हैं। इसके बाद ट्रेंच लेयरिंग या इटियोलेशन लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग या इटियोलेशन लेयरिंग ये स्पाइरा और क्लम्बिंग रोज, स्पाइरा और क्लम्बिंग रोज में ये प्रैक्टिस की जाती हैं। इसके बाद ईयर लेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ईयर लेयरिंग या इसे गोटी बोलते हैं, गोटी या मार्कोटेज। ईयर लेयरिंग, गोटी या मार्कोटेज, ये जो प्रैक्टिस है ये लीची में की जाती है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में लीची में प्रोपोगेशन का कौन सा मेथड अपनाते हैं, तो इसमें लीची में ईयर लेयरिंग, रबर, गुआवा, जैक फ्रूट और लेमन। रबर, गुआवा, जैक फ्रूट और लेमन, इनमें भी ईयर लेयरिंग, गोटी या मार्कोटेज प्रैक्टिस करते हैं। मार्कोटेज प्रैक्टिस। अब हम बात करें डी टाइप का। डी, प्रोपोगेशन ऑन रूट सिस्टम लाइक, प्रोपोगेशन ऑफ रूट सिस्टम, रूट के द्वारा जो प्रोपोगेशन होता है लाइक ग्राफ्टिंग और वडिंग। ग्राफ्टिंग और बडिंग, इसके दो मेथड हैं। हम बात करेंगे पहले ग्राफ्टिंग पे। तो ग्राफ्टिंग में सबसे पहले स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग में आ जाता है एप्पल, पियर और चेरी। एप्पल, पियर और चेरी में स्प्लाइस ग्राफ्टिंग होती है। और बी नंबर जो ग्राफ्टिंग आती है वाइनियर ग्राफ्टिंग। वाइनियर ग्राफ्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। वाइनियर ग्राफ्टिंग जो है मैंगो में होती है, आम में होती है ये वाइनियर ग्राफ्टिंग। विप और टंग ग्राफ्टिंग, विप और टंग ग्राफ्टिंग ये एप्पल, पीच और प्लम में होती है। एप्पल, पीच और प्लम में विप, एप्पल, पीच, प्लम में विप और टंग ग्राफ्टिंग होती है।
इनार्चिंग ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग मैंगो में, इनार्चिंग ग्राफ्टिंग भी मैंगो में होती है, ये भी पूछी जाती है। तो चाहे इनार्चिंग ग्राफ्टिंग आए या वाइनियर ग्राफ्टिंग आए, ये मैंगो में होती हैं। डबल ग्राफ्टिंग, डबल ग्राफ्टिंग ये पियर में होती है, बीज नाशपाती में होती है। इसके बाद हम बात करते हैं बडिंग, नेक्स्ट बडिंग। बडिंग के भी कई प्रकार की बडिंग होती है। टी बडिंग, टी बडिंग में आएगा, टी बडिंग जो रोज और ऑरेंज में करते हैं वो टी बडिंग करते हैं, ये भी पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है। टी बडिंग किस में की जाती है, तो रोज में और ऑरेंज में टी बडिंग करते हैं। इन्वर्टेड बडिंग ये सिट्रस में होती है। पैच बडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैच बडिंग आंवला सिट्रस और चेस्टनट में पैच बडिंग होती है। रिंग बडिंग बेर में होती है और चिप बडिंग ये ग्रेप्स में होती है। तो ये इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखने योग्य हैं। मीन्स एक बार फिर से नज़र डालें, ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग के जो प्रकार हैं, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग, स्प्लाइस ग्राफ्टिंग की बात करें तो एप्पल पियर और चेरी में होती है। वाइनियर ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विप और टन ग्राफ्टिंग एप्पल पीच प्लम में होती है। और इनार्चिंग, इनार्चिंग ग्राफ्टिंग मैंगो में होती है, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वाइनियर ग्राफ्टिंग और इनार्चिंग दोनों ही मैंगो में होती हैं। और डबल ग्राफ्टिंग पियर में होती है। और बडिंग पर अगर हम चर्चा करें, अब बडिंग, बडिंग टी बडिंग, टी बडिंग रोज और ऑरेंज में होती है। इन्वर्टेड बडिंग सिट्रस में होती है। पैच बडिंग आंवला में, सिट्रस और चेस्टनट में होती है पैच बडिंग। रिंग बडिंग की बात करें तो ये बेर में होती है। चिप बडिंग ग्रेप्स में होती है। उम्मीद करता हूँ ये बडिंग का टॉपिक आपको पसंद आएगा, और निश्चित तौर पर मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे अगर आपने हमारे अभी पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे आग्रह है पुराने भी वीडियो देखते जाएं, आपको निश्चित तौर पर परीक्षा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।